साथियों, देश को आगे बढ़ाने के लिए, विकसित बनाने के लिए नीति, नियत और निष्ठा उतनी ही जरूरी है। सरकार को सिस्टम को चलाने वालों की नीति, नियत और निष्ठा ही तय करती है कि विकास होगा या नहीं होगा। अब जैसे गरीबों को पक्का घर देने की योजना है, 2014 से पहले जो सरकार थी उसने शहरों में गरीबों को घर देने के लिए 10 सालों में 2 योजनाएं चलाई। इन 2 योजनाओं के तहत 10 साल में देश भर के शहरी गरीबों के लिए सिर्फ 8 लाख घर बने, लेकिन इन घर की हालत इतनी बुरी थी कि ज्यादातर गरीबों ने इन घरों को लेने से ही इनकार कर दिया। अब आप कल्पना करिए, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति भी उस घर लेने से इनकार कर देगा तो वो घर कितना बुरा होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। देश में यूपीए के समय बने हुए 2 लाख से अधिक घर ऐसे थे जिनको लेने के लिए कोई तैयार ही नहीं हुआ। हमारे यहां महाराष्ट्र में भी उस समय बने हुए 50,000 से अधिक घर ऐसे ही खाली पड़े थे। रुपया की बर्बादी है, लोगों की मुसीबतों की चिंता नहीं। भाइयों और बहनों, 2014 में आप सबने हमें सेवा करने का मौका दिया। सरकार में आने के बाद हमने सही नीयत से काम शुरू किया और नीति भी बदली। पिछले 9 वर्षों में हमारी सरकार ने गांव और शहरों में गरीबों के लिए 4 करोड़ से अधिक पक्के घर बनाए, 4 करोड़। इसमें भी शहरी गरीबों के लिए 75 लाख से अधिक घर बनाए गए हैं। हम इन नए घरों के निर्माण में पारदर्शिता भी लाए हैं और इनकी क्वालिटी भी सुधारी है। हमारी सरकार ने एक और बड़ा काम किया है, जो घर सरकार गरीबों को बनाकर दे रही है उसमें से ज्यादातर घर महिलाओं के नाम रजिस्टर किए जा रहे हैं। इन घरों की कीमत कई कई लाख रुपए है, यानी बीते 9 वर्षों में देश में करोड़ों बहनें ऐसी हैं जो लखपति बनी हैं, मेरी लखपति दीदी बन गई है। उनके नाम पर पहली बार कोई संपत्ति रजिस्टर हुई है। आज भी जिन भाइयों और बहनों को अपने घर मिले हैं उन्हें मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं, मेरी तरफ से अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं।